नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। झारखंड में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मामले चल रहे थे उसमें से एक मामला उभर करके आ गया है। पहले उनकी अयोग्यता को लेकर के चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सिफारिश भेजी, राज्यपाल ने उस लिफाफे को खोला ही नहीं। संभवतः उन्हें किसी बात का इंतजार था। और अब जो है अवैध खनन मामले में ईडी ने उन्हें आज पूछताछ के लिए तलब किया है। लेकिन हेमंत सोरेन ईडी से भी दो कदम आगे निकले और उन्होंने पहले ही अपने 15 दिन का कार्यक्रम जारी करा दिया। आज उन्हें रायपुर पहुंचना है और रायपुर को भी उन्होंने काफ़ी सोच समझ करके चुना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने ये बयान दिया था कि झारखंड में एटम बम फटेगा और लिहाजा जवाब देने के लिए रायपुर को चुना गया। जैसे ही ईडी की सरगर्मियां बढ़ी वैसे ही कांग्रेस और झारखंड के विधायकों ने एक बैठक की और तय किया गया है कि ईडी का जवाब जो है वो ये विधायक देंगे, सड़कों पे उतरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन घोटाला मामले में आज दिन के 11:30 बजे पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने जोनल ऑफिस रांची के इसी दफ्तर में बुलाया है, जहां पर की सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है, उसके बाद पूरे राज्य भर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर रांची में इकट्ठा होने की जानकारी मिली है। उसके बाद खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कार्यालय को और राजभवन के साथ साथ बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन ईडी के सामने आज बुलाया गया है, पेश होंगे कि नहीं होंगे ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम जारी किया है उससे ये लग रहा है कि वो पेश नहीं होने वाले हैं। और एक ट्वीट भी किया है जो कि काफ़ी एग्रेसिव है। वो कह रहे हैं, नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, विपक्ष मतलब बीजेपी से, कि जब उपचुनाव में वो मुँह की खा गई तो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यानी कि वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब क्या है पूरा मामला, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जुलाई में हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था और लगभग 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज जब्त किए और 5 करोड़ रुपए बरामद किए थे। अगस्त के महीने में 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। प्रेम प्रकाश को सीएम हेमंत सोरेन का बेहद करीबी बताया जाता है और पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि हैं, यानी कि विधायक के रूप में हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हैं। ईडी ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने अवैध खनन केस में झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर में 16 जगहों पर छापेमारी की थी और हेमंत सोरेन भी ईडी के राडार पे तभी आ गए थे। ईडी के समन के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन से इस्तीफा मांग लिया है। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि क्या आप जेल से सरकार चलाएंगे सोरेन। मरांडी ने कहा है कि सोरेन देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बनेंगे जो घपले घोटाले और लूट के आरोप में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ईडी के यहाँ पूछताछ के लिए पेश होंगे। भगवान न करे कि ये जेल से ही राज्य चलाने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी झारखंड के नाम कर दें। जैसा कि आपने सुना, ये है पूरा मामला। पहले दो लोगों की गिरफ्तारी होती है, संपत्ति जब्त होती है, पैसे की बरामदगी होती है, उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है और उन पर दबाव बढ़ रहा है, सियासी संकट भी बढ़ रहा है। इसके पहले भी सियासी संकट वहाँ बढ़ा था, काफ़ी दिनों तक लगा था कि जैसे कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने ही वाली है, लेकिन उस समय लिफाफा खोला नहीं गया, लिहाजा बची हुई है और अब ये नया संकट शुरू हो गया है। जैसे इसको लेकर अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।